हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.6 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 14.6 में हमें पढ़ना है प्लेन यानी समतल, ठीक है ना। तो समतल के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम बोलें कि एक लाइन को पास होने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, तो हमें पता है 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है अगर एक लाइन को पास करना है तो, ठीक है ना। अगर प्लेन या समतल की बात करें तो मिनिमम हमें 3 पॉइंट्स चाहिए एक प्लेन को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है ताकि हम एक प्लेन को ड्रॉ कर सकें, ठीक है ना। तो इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम समझते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जिसे हम कहते हैं व्यापक समीकरण। क्या कहते हैं इसे? व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण होता है इसका AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू जीरो। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। यहाँ पर जो A, B, C हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल वेक्टर के, ठीक है ना। और जो D है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन टू द ओरिजिन, ठीक है ना। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो लंबवत दूरी हो जाएगी। लंबवत दूरी कहाँ से? मूल बिंदु से, ठीक है ना। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसे हम कहते हैं अभिलंब सदिश, ठीक है ना। और अभिलंब सदिश के क्या हैं? ये दिक् कोज्याएं हैं। अभिलंब सदिश की दिक् कोज्याएं हैं ABC। और जो D है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन टू द ओरिजिन या लंबवत दूरी मूल बिंदु से। बात क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद ये जनरल इक्वेशन है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बोलें कि हमारे पास मान लो एक पॉइंट है X1, Y1, Z1। अगर ये पॉइंट हमें गिवन है तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी प्लेन की वो क्या होगी, ठीक है ना। तो वो हम लिख रहे हैं कि वो हो जाएगी X-X1+B Y-Y1+C Z-Z1=0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये एक, इसे हम कहते हैं वन पॉइंट फॉर्म। क्या कहते हैं इसे हम? वन पॉइंट फॉर्म या एक बिंदु रूप। क्या कहते हैं इसे हम? एक बिंदु रूप, ठीक है ना। तो इन्हें आप कॉपी कर लेंगे पहले, इसके बाद हम समझेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके से आती है हमारे पास, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो अब हम बात कर रहे हैं वन पॉइंट फॉर्म की, ठीक है ना। वन पॉइंट फॉर्म या जिसे हम कहते हैं एक बिंदु रूप, एक बिंदु रूप, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से आता है ये, कि मान लो अभी हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा प्लेन का, क्या होता है? AX+BY+CZ+D=0, ठीक है ना। तो किसी भी समतल के समीकरण में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है डी, वो गिवन होती है। इस बात का भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसने कहा कि फिर एक बिंदु हमें गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है X1, Y1, Z1। तो इस पॉइंट से पास होने वाले समतल का अगर हम समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? AX1+BY1+CZ1+D=0। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो अगर हम फाइंड करेंगे वन पॉइंट फॉर्म क्या होगा किसी भी समतल का जो एक बिंदु से पास हो रहा है, उसका जो वन पॉइंट फॉर्म या एक बिंदु रूप है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या मिलेगा हमें, AX+BY+CZ+D -AX1+BY1+CZ1+D=0।
इसमें से सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो ए कॉमन आ रहा है, अगर ए कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, वाई माइनस वाई वन प्लस सी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड वन, ठीक है ना। सी कॉमन लेने पर जेड माइनस जेड वन, और डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब जो एक बिंदु से पास होने वाला समतल का समीकरण है वो हमारे पास आएगा ये, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक बिंदु रूप या वन पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। अब हमने कहा कि किसी भी समतल में, किसी भी समतल का समीकरण है हमारे पास, तो उसमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो एक ओरिजिन से समतल के बीच में होती है। मान लो कि ये आपके पास एक 3D कार्टेशियन प्लेन है, थोड़ा सा बना लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना, इस तरीके से। और मान लो कि आपको एक प्लेन गिवन है ये, इस तरीके से, ठीक है ना, जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को इस तरीके से कट कर रहा है, तो इसमें आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा यहाँ ओरिजिन से, ये वाली, ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पर है, और इस डिस्टेंस को d को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमें किसी भी इक्वेशन में गिवन होगी जो समतल का इक्वेशन होगा, ठीक है ना। समतल के इक्वेशन में आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलती है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है इस रूप में कि ए एक्स वन का आप मल्टीप्लाई करोगे, बी वाई वन का मल्टीप्लाई करोगे और सी जेड वन का मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। बाकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड तो आपको मिल ही गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें अगर किसी भी बिंदु से पास होने वाले समतल का समीकरण लिखना है तो उस समीकरण को हम इस तरीके से लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं वन पॉइंट फॉर्म या एक बिंदु रूप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, या आप इसे कहो समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप, ठीक है ना। तो इसमें इसको समझने के लिए आपने समझा होगा 2D में एक लाइन का इक्वेशन आपने लिखा होगा, जब वो x एक्सिस और y एक्सिस को इस तरीके से कट करता है। इसको आप मान लो कि ये पॉइंट हो जाएगा a, a कॉमा जीरो, और ये पॉइंट हो जाएगा b, जीरो कॉमा बी, इस तरीके से, और ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है ना। तो आपने इस लाइन AB का इक्वेशन लिखा था अंतःखंड रूप में, क्या लिखा था, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, इस तरीके से, ठीक है ना। अब जब हम प्लेन की बात करेंगे तो हमें 2D कार्टेशियन प्लेन के स्थान पे क्या मिलेगा, 3D कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो एक प्लेन जो इन एक्सिस को इस तरीके से कट करता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मान लो कि ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस केस में, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, बात क्लियर हुई। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी, ठीक है ना। तो आपको इस प्लेन का अंतःखंड रूप लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो प्लेन का या किसी समतल का जो अंतःखंड रूप होता है वो इस तरीके से हम लिखते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म पर एक दो एग्जांपल हैं जिन्हें हम समझ लेंगे। तो एग्जांपल हमारे 22 है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक बार फिर समझेंगे क्वेश्चन को। उसने कहा कि एक समतल का इक्वेशन है आपको इस तरीके से दिया हुआ है हमें, उसको आप पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद में जो निर्देशक अक्षों पर जो अंतःखंड काट रहा है ये प्लेन, उन्हें हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सस्ता सरल सवाल है ये। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है ना, जो इक्वेशन में गिवन है उसे लिख लेंगे आप 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट फॉर्म अभी हमने समझा किसी भी प्लेन का क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को पहले इस रूप में हमें चेंज करना है, ठीक है ना। तो चेंज करने के लिए क्या करें, हमें इक्वल में चाहिए 1, यहाँ पर कितना है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 12, तो क्या मिलेगा, 3x अपॉन 12
माइनस 4y अपॉन 12 प्लस 2z अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। बात क्लियर हुई? तो देखो कितना मिलेगा, x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो क्या अब ये इक्वेशन इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज हुई? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे लिखेंगे x अपॉन 4 प्लस y अपॉन माइनस 3 प्लस z अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो अब आप कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, ठीक है ना। तो क्या अब ये इक्वेशन इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज हुई? यस, ठीक है ना। तो इसके बाद में उससे पूछा कि वो निर्देशांक अक्षों पर जो अंतःखंड कितना बना रहा है या कितना काट रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कितना काटा उसने, ए, यानी एक्स एक्सिस पे कितना काटेगा वो, 4। तो इज इक्वल टू कितना, 4 ऑन वाई एक्सिस, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है ना। ऑन जेड एक्सिस क्या लिखेंगे भाई, इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ये आ गए उसके इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो बहुत ही सस्ता सरल सवाल है ये, इसे आप खुद भी कर सकते हो, तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23 है, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज द पॉइंट के, ठीक है ना। उसने कहा कि एक प्लेन है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर पॉइंट ए बी सी पर इस प्रकार मिलता है कि उसका जो सेंट्रोइड पॉइंट के है वो पी क्यू आर है, ठीक है ना। सेंट्रोइड मतलब केंद्रक। सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, ठीक है ना। हमें ये प्रदर्शित करना है कि उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो इस तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ दे रखा है हमें कि आपको ये इक्वल टू 3 मिलेगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन को वापस डायग्राम पे समझते हैं कि 3D कार्टेशियन प्लेन में एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, 3D कार्टेशियन प्लेन में आपको एक प्लेन गिवन है जो एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पे आके मिलता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अगर हम कहें ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। इस पॉइंट को अगर बी कहें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो। और इस पॉइंट को अगर सी कहें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो उसने कहा कि ये एक प्लेन आपको मिला जो ए बी सी पॉइंट पे मिलता है आगे, ठीक है ना। उसके बाद में एक सेंट्रोइड या एक केंद्रक है के, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, पी क्यू एंड आर। ये हमें इस पॉइंट के जो सेंट्रोइड है या केंद्रक है वो हमें गिवन है पी क्यू आर। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो ये होगा, ये हमें प्रदर्शित करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम केंद्रक के बारे में बात करते हैं कि केंद्रक या सेंट्रोइड जो है वो एक्चुअल में उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, अगर हमें इस तरीके से कोई फिगर दे रखा है तो वहाँ पर थोड़ा सा खराब ना हो इसलिए हम यहाँ पर रफली समझ लेते हैं इस बात को। आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। तो एक प्लेन आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक है ना। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी, इस तरीके से। और आपको एक केंद्रक या आपको एक सेंट्रोइड गिवन है के, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है ना। तो आपको इस पॉइंट का एक्स फाइंड करना है, इस पॉइंट के का जो कोऑर्डिनेट्स है ये एक्स वाई जेड, उसमें आपको ये एक्स फाइंड करना है। तो ये एक्स आप किस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है ना, वो हम समझ रहे हैं। अब देखो एक्स फाइंड करना है तो आप एक्स एक्सिस पे आ जाओ। एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ए, उसको आप ऐड करोगे ए प्लस जीरो प्लस जीरो। ऐड करने के बाद में तीन का क्या दे दोगे, इसमें भाग। तो ये जो ए अपॉन थ्री आया वो इस पॉइंट के का क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा, यानी ए अपॉन थ्री। बात क्लियर हुई?
उसी तरीके से इस पॉइंट के का, और के क्या है हमारा केंद्रक या सेंट्रोइड, इस पॉइंट के का अगर हमें वाई चाहिए तो वाई एक्सिस पे आ जाओ। वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट मिल गया 0, b, 0, तीनों को ऐड करोगे, तीन का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको b/3। सिमिलरली पॉइंट सी से आपको क्या मिल जाएगा, जेड, जो हो जाएगा c/3। तो इस तरीके से हम किसी भी इस फिगर में अगर हमें सेंट्रोइड चाहिए इस ट्रायंगल का तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना? तो इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है ना? मैं वापस रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो सेंट्रोइड हमें गिवन है, लिख लेते हैं यहाँ पर, सेंट्रोइड के जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं p, q, r। बात क्लियर हुई? तो हेयर अगर मैं लिखूं p इज्क्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से a बाई थ्री, क्यू इज्क्वल टू लिखूँ तो क्या हो जाएगा b/3, एंड r इज्क्वल टू लिखूँ तो क्या हो जाएगा c/3, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे 3p, b का वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा 3q, एंड c का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 3r, इस तरीके से, ठीक है ना? और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास, x/a + y/b + z/c = 1। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू हमारे पास आ गया, इनका वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा x/3p + y/3q + z/3r = 1। यहाँ से 1/3 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना? इधर समझेंगे, 1/3 कॉमन आया तो क्या लिखेंगे, x/p + y/q + z/r = 1। और 3 का हम सिंपली उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या मिलेगा x/p + y/q + z/r = 3, ठीक है ना? और यही हमें क्या करना था, दर्शाना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके सेंट्रोइड का हो जाएगा कि सेंट्रोइड के पॉइंट्स को हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना? तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना? समतल का अभिलंब रूप में समीकरण क्या होगा, ठीक है ना? समतल का अभिलंब रूप में समीकरण निकालने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी। एक तो हमारे पास गिवन होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा हमें गिवन होगा नॉर्मल वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना? तो नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए हम 3D कार्टेशियन प्लेन में एक प्लेन बना लेते हैं। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन, और एक प्लेन मान लो कुछ इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है ना? इसमें ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। बात की जरूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब इस ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इस तरीके से, ठीक है ना? और इस पॉइंट को हमने माना एन, तो ओ एन वैक्टर आपका हो जाएगा नॉर्मल वैक्टर। बात क्लियर हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है डी, और एक नॉर्मल वैक्टर जो ओ एन वैक्टर है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इस नॉर्मल फॉर्म को निकालने के लिए मैं इस पर एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ पी, जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकाला था, हमने लिया था पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे x, y, z। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z। बात क्लियर हुई, ठीक है ना? अगर मैं इस पॉइंट पी का क्या लिखूँ, पोजिशन वैक्टर, पॉइंट पी का अगर पोजिशन वैक्टर लिखूँ इस ओरिजिन से, तो उसको हमने आर वैक्टर लिखा था लाइन के केस में भी, तो यहाँ भी क्या लिख रहे हैं हम इसको, आर वेक्टर लिख रहे हैं। उसके बाद में इस पॉइंट पी को एन से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका पी एन वेक्टर, ठीक है ना? और ये बन गया आपका ओ पी वेक्टर। बात क्लियर हुई, तो एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास ओ एन पी, ठीक है ना? तो नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो लिख रहे हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ एन पी, ठीक है ना? बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना? सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखो ध्यान से, ओपी वेक्टर और पीएन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना? ओपी वेक्टर और पीएन वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और ओएन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां मैं लिख सकता हूं बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही ओपी वेक्टर प्लस
पी एन वैक्टर इज इक्वल टू ओ एन वैक्टर मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ओ पी वैक्टर कितना है आपके पास? आर वैक्टर, तो इसको लिखा हमने आर वैक्टर। पी एन वैक्टर आपके पास है? नो, तो लिखेंगे इसको पी एन वैक्टर, ठीक है ना। और ओ एन वैक्टर क्या हो जाएगा? देखो ओ एन वैक्टर है नॉर्मल वैक्टर, ठीक है ना। और ओ एन वैक्टर का जो डायरेक्शन है उसको हमने माना एन कैप। ओ एन वैक्टर हमारे पास नहीं है लेकिन हम निकाल रहे हैं। ओ एन वैक्टर का जो डायरेक्शन है उसको माना हमने एन कैप। डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना है डी, तो ओ एन वैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास? डी इंटू एन कैप। तो यहाँ लिख रहे हैं डी इंटू एन कैप ओ एन वैक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से अगर आप पी एन वैक्टर निकालोगे तो आपको मिलेगा डी इंटू एन कैप माइनस आर वैक्टर। तो पी एन वैक्टर आपके पास आ गया, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान से समझोगे और ध्यान से देखोगे भी कि क्या ओ एन वैक्टर और पी एन वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझेंगे, देखो जो ओ एन वैक्टर है वो आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब ये अगर प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास क्या है? ओ एन वैक्टर। और पॉइंट पी और पॉइंट एन कहाँ पर हैं? प्लेन पर, मतलब पॉइंट एन तो ये हो जाएगा और पॉइंट पी कहीं यहाँ पर है, यानी कि ये तो पी एन वैक्टर है। पी एन वैक्टर है वो कहाँ पर है? प्लेन पर। और ओ एन वैक्टर कहाँ है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ओ एन वैक्टर पी एन वैक्टर, ओ एन वैक्टर पी एन वैक्टर, क्या एक दूसरे के ये लंबवत हैं? यस लंबवत हैं। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? हेयर ओ एन वैक्टर परपेंडिकुलर टू पी एन वैक्टर। अगर ऐसा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो के इक्वल। हमने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर कोई दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। बात समझ आई? आपके पास ओ एन वैक्टर है कितना? डी इंटू एन कैप। क्या है आपके पास? डी इंटू एन कैप। पी एन वैक्टर आपने अभी निकाला, माइनस नहीं डॉट, पी एन वैक्टर अभी आपने निकाला, क्या निकाला? डी इंटू एन कैप माइनस आर वैक्टर। इस तरीके से इज इक्वल टू क्या मिला आपको? जीरो। आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इस एन कैप का इन दोनों के साथ में। डी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका तो डॉट प्रोडक्ट होगा नहीं, किसका होगा? एन कैप का। तो क्या हो जाएगा भाई? डी स्क्वायर इंटू एन कैप डॉट एन कैप। इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ में तो क्या मिलेगा? डी स्क्वायर एन कैप डॉट एन कैप माइनस साइन, क्या मिलेगा? डी इंटू एन कैप डॉट आर कैप आर वैक्टर मिलेगा ना। जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर वेक्टर के साथ में तो क्या मिलेगा? डी इंटू एन कैप डॉट आर वेक्टर, और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? जीरो। बात समझ में आई? आपने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर होता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ तो एन कैप डॉट एन कैप क्या मिलेगा? मॉडुलस ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये बन जाएगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। बात क्लियर हुई? तो यहां क्या मिलेगा हमें? डी स्क्वायर माइनस डी इंटू एन कैप डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डी इंटू एन कैप डॉट आर वेक्टर, या इसे आप बोलो आर वेक्टर डॉट एन कैप, क्या बोलो? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? डी स्क्वायर। और डी से डी क्या होगा? कैंसिल आउट। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या मिल गया? डी। आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या मिल गया? डी। और यही हमारे पास क्या है? ये नॉर्मल फॉर्म। किसकी? किसी भी प्लेन की जो नॉर्मल फॉर्म है वो होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। यहां पर ध्यान रखोगे ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है? चलो ये तो आ गया आपने पास वेक्टर फॉर्म। क्या आ गया हमारे पास? वेक्टर फॉर्म आ गया भाई, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ नॉर्मल, वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म बोलो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म किसी भी प्लेन का। बात क्लियर हुई? यहाँ पर डी क्या है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या था हमारे पास? ओ एन वेक्टर, लेकिन एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। और आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना। बात समझ में आई?
तो किसी भी प्लेन का अगर आपको नॉर्मल फॉर्म लिखना है तो उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी करेंगे, उसके बाद और समझते हैं इसमें आगे। तो कॉपी करेंगे इसको, ये तो अभी हमने समझा वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, और वो हमारे पास क्या आया आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यहाँ पर जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने समझा वेक्टर इक्वेशन। अगर मैं इसे किस रूप में लिखूं, कार्टेशियन इक्वेशन में, किस रूप में, कार्टेशियन इक्वेशन में, तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, आपको पता है आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट। एन कैप, एन कैप हमें लिखना है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो जब हमने समझे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि एन कैप में यूनिट वेक्टर में हमेशा क्या आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आते हैं, यानी दिक्कोज्याएं आती हैं। तो मैं एन कैप को लिख सकता हूं यहां पर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी, इस तरीके से। इसका मतलब अगर कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा इस प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या मिलेगा आपको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ वेक्टर इक्वेशन याद रखनी है, कार्टेशियन इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी एक बार कॉपी करेंगे। देखो ये तो हमने समझा, इसके बाद में मैं यहाँ पर एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ कि इस तरीके से कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो क्या इन दोनों इक्वेशंस में कुछ डिफरेंस है, यस है। यहाँ पर एन कैप हमें गिवन है और यहाँ पर हमें एन वेक्टर हमें गिवन है। तो एक बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान रखोगे कि जब आपको एन कैप गिवन है तो आप इस डी को बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे कब, जब आपको एन कैप गिवन है। लेकिन सर जब आपको एन वेक्टर गिवन होगा तो क्या हम इस डी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, नहीं, उस केस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होगा, अब यहां लिख रहे हैं हम डिवाइडिंग बाई मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, किसे डिवाइड कर रहे हैं हम, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर से। देखो क्या मिलेगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इसमें आप कहीं पे भी चाहे एन वेक्टर के नीचे चाहे आर वेक्टर के नीचे कहीं पे भी आप क्या कर दो मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर का डिवाइड कर दो, इक्वल टू क्या मिलेगा हमें डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। आपको पता है ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। अब वापस यहाँ आ जाओ, हमने क्या कहा कि आपको जब यहाँ पर n कैप मिलेगा तब आप इस वैल्यू को क्या बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर n कैप तो हमें मिल गया, तो इस वैल्यू को अब हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको ये वाली इक्वेशन भी मिल सकती है और ये वाली इक्वेशन भी मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि n वेक्टर हमें गिवन है या n कैप हमें गिवन है। n कैप अगर हमें गिवन है तो इसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, अगर n वेक्टर हमें गिवन है तो उस केस में हम इस तरीके से उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को हम फिर क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। दोनों में ही बहुत माइन्यूट चेंज है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा देखो, आपको वेक्टर इक्वेशन तो यहाँ गिवन थी, ये वाली वेक्टर इक्वेशन ये वाली गिवन थी, तो सर कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर इसकी, इसी की कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखो आर वेक्टर आपको पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से डॉट।
एन वेक्टर क्या होता है, यहाँ पर एन कैप के अंदर आपके आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, क्या आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एन कैप के अंदर। तो एन वेक्टर के अंदर क्या आते हैं फिर डायरेक्शन रेशियोस, तो क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इस तरीके से, ठीक है ना, बात समझ में आई। और इस डिस्टेंस डी को हम अभी भी क्या नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे, जब तक हम इसमें क्या नहीं डिवाइड कर दें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एन एन वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर क्या होगा, यदि ये एन वेक्टर है तो इसका मॉडुलस क्या हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब मैं इस वैल्यू का दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा तब मैं डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलूंगा, ठीक है ना। तो दोनों ही इक्वेशन पैरेलली आपके क्वेश्चन में चलेंगी, आप दोनों ही इक्वेशन को बड़ी ध्यान से देखोगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपको एन कैप मिलेगा तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे एच डी को, जब आपको एन वेक्टर मिलेगा तो हम इस वैल्यू को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, बात क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इसे भी आप इसके साथ ही कॉपी कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 14.6 के इंट्रो में इतना ही था, इसके बाद में हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 25 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर इज, ठीक है ना। देखो एक तो हमें डिस्टेंस दे दी ओरिजिन से 4 यूनिट, ठीक है ना, उसके बाद में एक उसने कहा नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर है ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर होता तो हम इसको लिखते क्या एन कैप, तो अब नॉर्मल वेक्टर है तो उसको क्या लिखेंगे हम एन वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितनी है 4 यूनिट, बात क्लियर हुई, ठीक है ना, 4 यूनिट। उसके बाद में नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन है, नॉर्मल वेक्टर, और वो क्या हो जाएगी आपकी एन वेक्टर, जिसे हम क्या कहेंगे एन वेक्टर, कितना हो जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। अब नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म हम लिख रहे हैं, और वो हमें क्या मिलेगा भाई आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास डी है लेकिन एन कैप नहीं है, एन वेक्टर है, तो एन कैप निकालेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पर एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, इट मीन्स आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 9, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे 9। तो जो n कैप है हमें क्या मिलेगा i कैप अपॉन 3, अंडर रूट 9 क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, यानी i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन 3। तो सिंपली अलग अलग डिवाइड करना है, तो n कैप आ जाएगा हमारे पास n कैप इक्वल टू i कैप अपॉन 3 माइनस 2 बाई 3 j कैप प्लस 2 बाई 3 k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो पुट कर देंगे वैल्यूज, एन कैप हमारे पास आ गया, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में आर वेक्टर, तो आर वेक्टर रहेगा, एन कैप क्या हो जाएगा आई कैप अपॉन 3 माइनस 2 बाई 3 जे कैप प्लस 2 बाई 3 के कैप इक्वल टू 4, ठीक है ना। या तो आप इसे बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन, या फिर आप इसमें से 1/3 कॉमन लोगे तो आप क्या बोलोगे आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, 1/3 कॉमन लोगे और 3 कहाँ चला जाएगा 4 के पास, तो कितना 12, या फिर बोलोगे आप इसे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एन कैप है ये, और यहाँ पर हमें मिला आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, तो ये जो 12 है ना, ये d जो है ये 12, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये n वेक्टर है। तो सर जब n कैप हमें मिलेगा
तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें d, वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। बात समझ में आई? तो दोनों ही इक्वेशंस पैरेलली आपके पास चल रही हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस और क्या नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था, इसमें सिर्फ आपको एन कैप फाइंड करना है और उसके बाद में आप वैल्यूज इस तरीके से पुट कर दोगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में आप इसे भी बोल सकते हो और इसे भी बोल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस वाले केस में हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है ना, वो डिस्टेंस पूछेगा तब हमें ध्यान रखना है। लेकिन इस केस में आप दोनों को ही क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलोगे। चलो ये तो हो गया क्या, वेक्टर इक्वेशन। बात करें कार्टेशियन इक्वेशन की, ठीक है ना, तो यहाँ से आप कॉपी कर लो उसको, फिर हम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशंस आ गई, ये तो हमारे पास आ गई वेक्टर इक्वेशन जब एन कैप हमें गिवन है, ठीक है ना, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई प्लेन की जो हमारे पास एन वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो एन कैप होता है उसमें आपको पता है क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, मतलब दिक कोज्याएं। तो 1/3, 2/3, 2/3 क्या है हमारे, दिक कोज्याएं हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन होते हैं एन कैप में। तो इसमें से जो कार्टेशियन इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से समझेंगे, देखो 1/3 x है ना, यानी x/3 है ना। आर वेक्टर को यहाँ मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप क्या है हमारे पास, आई कैप बाई थ्री माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप इक्वल टू 4। तो आई कैप कितना 1, बाकी आई कैप का मल्टीप्लाई आप जे कैप से करोगे के कैप से, डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो आई कैप हो गया 1, यानी क्या बच गया, एक्स बाई थ्री। ऐसे ही क्या मिलेगा, माइनस 2y/3 प्लस 2z/3 इक्वल टू 4। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक कार्टेशियन इक्वेशन। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d के रूप में। अब यहाँ पर जब n वेक्टर गिवन है तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप इसमें क्या बोलोगे, देखो क्या दे रखा है हमें, xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो चार इक्वेशन हमने निकाली इस प्लेन की, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। आप सिर्फ दो इक्वेशंस लिख सकते हो, वेक्टर और कार्टेशियन, अगर आप चाहो तो इन्हें भी लिख सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दो इक्वेशन लिखकर ही छोड़ सकते हो। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको।